कर सकते हो। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। साथ ही इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, उत्तर प्रदेश में अवैध निर्माण पर योगी सरकार एक बार फिर से तगड़े एक्शन में है। यूपी के इस जिले में 1227 मकानों पर चलेगा बुलडोजर, एक्शन में आई योगी सरकार। यूपी में योगी सरकार अवैध निर्माण पर तगड़े एक्शन में है। लखनऊ में LDA के विहित प्राधिकारी ने कुकरेल नदी के किनारे अवैध तरीके से मकान बनाने वाले कुल 1227 निर्माणों को अवैध घोषित कर ध्वस्त करने का आदेश दिया है। शुक्रवार शाम सभी वादों में आदेश पारित हो गए हैं। पिछले कई दिनों से विहित प्राधिकारी सुनवाई कर इसका आदेश कर रहे थे। एक महीने की अवधि जैसे जैसे पूरी होगी से तोड़ने का काम किया जाएगा। कुकरेल नदी का गुजरात की साबरमती नदी की तर्ज पर विकास किया जाना है। इसके चलते नदी की जमीन पर अवैध तरीके से कब्जा कर मकान बनाने वालों के निर्माण को ध्वस्त किया जाना है। LDA ने सभी 1241 लोगों को नोटिस जारी की थी। इसमें 1227 लोगों के मकान गिराने का आदेश शुक्रवार की शाम तक जारी हो गया। 14 अवैध निर्माण ऐसे मिले हैं जो बंधे और नदी के बीच में स्थित नहीं है, इसलिए इनके ध्वस्तीकरण का आदेश अभी तक नहीं दिया गया है। LDA के विहित प्राधिकारी DK सिंह व श्रद्धा चौधरी ने सभी अवैध निर्माणों को ध्वस्त करने का आदेश दिया है। अकबर नगर दित्ते के LDA को 46 व्यावसायिक और 314 आवासीय निर्माण मिले थे। यह सभी नदी और बंधे के बीच में बने हुए हैं। इस तरह कुल 360 निर्माण यहाँ अवैध मिले थे। इन सभी को भी गिराने का आदेश पारित हो गया। अकबर नगर प्रथम में LDA को 55 व्यावसायिक तथा 754 आवासीय निर्माण मिले थे। यह सभी बंधे और नदी के बीच में स्थित थे। इन सभी 809 निर्माणों को गिराने का आदेश शुक्रवार की शाम को जारी हो गया। एक महीने बाद LDA इन्हें ध्वस्त कराएगा। LDA को भीकमपुर में 72 अवैध निर्माण मिले थे। इनमें 58 अवैध निर्माण गोमती नदी और बंधे के बीच पाए गए थे। बाकी 14 अवैध निर्माण ऐसे मिले जो कुकरेल नदी और बंधे के बीच में नहीं है, इसलिए ध्वस्तीकरण का आदेश इनके लिए फिलहाल नहीं दिया गया है। लगातार खबरों पर बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ब्यूरो रिपोर्ट TIN News।